रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे 907A के एक स्ट्रेच पर रोलिंग बैरियर गार्डरेल सिस्टम इंस्टॉल किया गया। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए कहा कि रोलिंग बैरियर गार्डरेल सिस्टम नाहन से कमरहटी सेक्शन के बीच एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ये इंजीनियसली इंजीनियर्ड सिस्टम जानलेवा चोटों से बचाएगा, स्पेशली हिली एरियाज में। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब ऐसा सिस्टम इंडिया में इंस्टॉल हुआ है। 2019 में तमिलनाडु में भी पायलट प्रोजेक्ट की तरह इस रोलिंग बैरियर सिस्टम को लगाया गया था। नीलगिरी के पहाड़ों में कलहट्टी घाट रोड सबसे डेंजरस रोड्स में से एक माना जाता है। यहाँ मोटरिस्ट के लिए खतरा बना रहता है। इसके चलते तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस रोड पर 19 किलोमीटर के स्ट्रेच में तालाकुंदा से मधुमलाई टाइगर रिजर्व के बीच स्पेशल रोलर क्रैश बैरियर्स फिट किए गए थे। इन्हें रोलर क्रैश बैरियर्स कहें, रोलिंग बैरियर या फिर गार्डरेल सिस्टम कहें, इनका मतलब एक ही है। पर ये होता क्या है, इनका क्या काम है और रोड सेफ्टी में इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को ढूंढेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में इन बैरियर्स को गार्ड रेल्स, लॉन्गिट्यूडनल बैरियर्स या रोलिंग बैरियर्स एक्सेट्रा नामों से जाना जाता है। ये बैरियर्स रोड साइड में लगाए जाते हैं। यदि कभी कोई वाहन अपने रास्ते से हटकर इनसे टकराता है तो हल्के फुल्के झटके के अलावा उस वाहन और यात्रियों को कुछ नहीं होता। इनकी मदद से भयानक एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। रोड्स पर किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल से गाड़ी टकरा सकती है, जैसे रॉक्स, ट्रैफिक साइन, पोस्ट, ब्रिज सपोर्ट, ट्री एंड कंस्ट्रक्शन वॉल्स। रोलिंग बैरियर्स और आरबी इन चीज़ों से टकराकर अनकंट्रोल्ड व्हीकल्स को रोड पर ही रखने में हेल्प करता है। रोलिंग बैरियर्स कई तरह से इंस्टॉल किए जा सकते हैं, यू टर्न्स पर एंगुलर तरीके से या डेंजरस टर्न्स पर रोड के अलॉन्ग साइड। इन बैरियर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। ये फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ सेमी रिजिड भी होते हैं। यूरिथेन एक ऐसा मटेरियल बन गया है जिसे जनरली रोलिंग बैरियर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दूसरे किसी भी मटेरियल से अनमैच्ड है। ये रोलिंग बैरियर्स कोलिजन शॉक को 3 पॉइंट्स पर एब्जॉर्ब करते हैं। इमेजिन करिए कि आप फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर गिर रहे हैं। अब यदि ग्राउंड फ्लोर पर केवल कंक्रीट होगा तो आपका नीचे टकराना जानलेवा हो सकता है, लेकिन यदि जमीन पर रबर या प्लास्टिक जैसे किसी मटेरियल के सिलेंड्रिकल बैरल्स रखे होंगे तो आपको इंजरीज एकदम ना के बराबर होंगी। ये सिंपल वर्ड्स में रोलिंग बैरियर्स का काम है। ये कार पर कोलिजन इम्पैक्ट को भी कम करता है, जिससे कार की मेंटेनेंस कॉस्ट भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। ये टर्निंग्स पर, यू टर्न्स पर, ब्लाइंड कर्व्स पर यूज हो सकते हैं। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी से रोड सेफ्टी पर एक्चुअली कितना असर हो सकता है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज रोड सेफ्टी पर एक अलग नजरिए से काम कर रही हैं। ये टेक्नोलॉजीज रोड एक्सीडेंट के कॉजेस को खत्म कर रोड एक्सीडेंट्स कम या अवॉइड करना चाहती हैं। कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में मेजर एक्सीडेंट्स के कारण पिछले कुछ सालों में बढ़ते वाहन और अनमैनेजेबल ट्रैफिक को माना गया है। लेकिन कोरिया में यूरिथेन रोलर्स के इनोवेशन होने के बाद अनकंट्रोल्ड वाहनों को रीडायरेक्ट कर वापस रोड पर ले जाने से एक्सीडेंट्स में कमी देखी गई है। रोलिंग बैरियर्स क्रैश के दौरान कुशन का काम करते हैं, हाई स्पीड इफेक्ट कम करते हैं और रिजल्ट ये होता है कि पैसेंजर्स की इंजरीज फैटल नहीं होती। ये बैरियर्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव बताए जा रहे हैं। इनके इस्तेमाल से रोड एक्सीडेंट्स में भारी कमी देखी गई है। साल 2016 में इंडिया में हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट्स 4,80,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हुए थे, जिनमें से 1,50,785 डेथ्स हुई थी। 2020 में 3.54 लाख एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसमें से 1,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 75,000 केवल ओवर स्पीडिंग के कारण मारे गए थे। इंडियन एक्सप्रेस की सितंबर 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंडर ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि इंडिया में हर घंटे 17 लोगों की रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है। इसमें से मेजर एक्सीडेंट्स स्टेट और नेशनल हाईवेज पर होते हैं और सभी रोड एक्सीडेंट्स में ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कॉज बताया जाता है। इन्हीं कारणों से रोलर बैरियर्स एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है। रिसाइकिल किए जाने के कारण इको फ्रेंडली होने के साथ साथ इजिली एडजस्टेबल रोलिंग बैरियर्स आसानी से लगाए और निकाले जा सकते हैं। 2004 में हुई एक स्टडी के मुताबिक इनके इस्तेमाल से रोड एक्सीडेंट्स में 50% तक कमी आ सकती है।
इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ होने वाले रोड एक्सीडेंट और डेथ के हाई नंबर्स बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ की सेफ्टी को लेकर मेजर्स लेना जरूरी है। इसमें रोड एक्सीडेंट्स को कम या खत्म करना शामिल है। रोलिंग बैरियर्स एक पोटेंशियल रोल प्ले कर सकते हैं जो रोड पर सेफ्टी की हाई डिग्री प्रोवाइड करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने से इंडिया उन कंट्रीज के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जहाँ इसे पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन हाईवेज पर हर तरह से रोलिंग बैरियर्स काम आ सकते हैं। एक्सीडेंट्स में कमी आएगी तो ह्यूमन लाइव्स सिग्निफिकेंटली बचाई जा सकेगी। एक्सीडेंट्स के बाद होने वाले रोड जैम्स नहीं होंगे तो ट्रैफिक फ्लो में रुकावट नहीं होगी। ऐसे में ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी और इंडियन हाईवेज सेफर होंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी रोलिंग बैरियर्स की। आपके हिसाब से ऐसे सॉल्यूशंस कितने इफेक्टिव हो सकते हैं एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।